नहीं बना सकते। पिता वहाँ एक सेकंड भी 1 अरब रुपए देने के बावजूद भी वापस नहीं मिलता। आपको आपने वीडियो देखा, इसमें क्या समझ में आया? ये शांची वंडरफुल, 1 लाख भी खर्च कर देंगे तो भी 1 सेकंड हमारे जीवन का वापस नहीं आ सकता जो बीत गया है। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। यस अनन्या, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? यस सर, वी शुड यूज एवरी सेकेंड ऑफ आवर डेली लाइफ फॉर आवर वेरी इम्पोर्टेंट वर्क। वेरी इम्पोर्टेंट वर्क, वट इज दैट इम्पोर्टेंट वर्क यू हैव नाउ? सर लाइक आवर वर्क विच इज पेंडिंग राइट नाउ, वी कैन कम्प्लीट इट इफ बिकॉज इफ वी विल नॉट कम्प्लीट इट वी विल हैव टू सफर फ्रॉम। क्या चीज है अभी की इस समय आप लोग कोई 7th क्लास में, कोई 5th क्लास में, कोई 4th क्लास में, कोई 9th में है, कोई 10th में है, काम क्या है आपका, आपके पास में क्या काम है? हाँ दैट्स ओके। हाँ टेल मी, टू स्टडी, टू स्टडी व्हाट? रामायण, गेन नॉलेज, व्हाट स्टडी स्वास्तिक? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी स्टडीज कौन सी? स्कूल स्टडीज, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्या आपके मम्मी डैडी आपको खाना बनाने को बोलते हैं? No, sir. या आपको दूध लाने को बोलते हैं? No, sir. या आपको ये बोलते हैं कि चलो फीस तुम ही जमा कराओगे, तुम ही इनकम करोगे पैसे की, ऐसा बोलते हैं? राइट No, sir. आपकी आपके घर में, आपकी फैमिली में इनकम कौन जनरेट करता है? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, फादर या मदर जनरेट करते हैं, राइट? और खाना कौन बनाता है? मम्मी पापा मिलके बना सकते हैं, बट आपको तो नहीं कहते बनाने को, दीक्षा आपसे कहते हैं? नहीं कहते। ओके, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन हेयर कि जो अभी का प्रेजेंट है उसमें हमारा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? हमारा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी स्कूल की स्टडीज हैं, वो हमें 100% काम हमारा पूरा होना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको 4 दिन 6 दिन मम्मी ने खाना नहीं दिया हो? नहीं हुआ ना, तो शी डज इट एवरी डे, राइट? और या फिर आपके फादर ने फीस जमा ना कराई हो, रेगुलर फीस जमा कराते हैं ना, आपको रेगुलर आपके एक्सपेंसेस मीट आउट करते हैं, तो दे आर डूइंग देयर जॉब, यू मस्ट डू योर जॉब, राइट? बट इन सब चीजों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम। यहां पर इस वीडियो में कितने, एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं बताओ? 86,400 सेकंड्स एवरी डे यू हैव इन योर गुल्लक ऑफ टाइम बैंक। अगर वो टाइम की गुल्लक को अगर आपने बचा के रखा तब तो आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। इन केस इफ यू वेस्ट योर टाइम यू विल नॉट अचीव इट। एम आई राइट और रॉन्ग? बट इसको कैसे पता चलेगा? कभी टाइम आके नॉक नॉक करता है, कभी आके अनुग्रह कहता है हेलो मैं टाइम हूं, मैं आके आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर प्लेइंग पबजी, हेलो यू आर वेस्टिंग मी, आई एम टाइम, ऐसा होता है कभी? इट इज इनविजिबल, इट शुड बी इन आर थॉट्स, हमारे मन में, हमारे दिल में होनी चाहिए बात। नॉर्मली आप करते हो ना, टाइम वेस्ट कौन कौन करता है? प्लीज ऑनेस्टली, ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स, राइट? सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, वाओ। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन मैं आप जैसे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में पढ़ने वाले बच्चों से पूछूंगा तो 90% हाथ उठेंगे, उठेंगे ना? ओनली 10% है जो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोज़ हू डोंट वेस्ट देयर टाइम दे अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ऐसी कहानियां, ऐसी मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं, ऐसे मैंने लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, जैसे बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स के बारे में पढ़ा है कि वो शूज ही नहीं बदलता था, टाइम वेस्ट होगा, रात को ऐसे ही पहने पहने सो गए, वही कपड़े पहन के सो गए, टाइम वेस्ट करना क्या, सुबह सुबह उठ के वैसे ही निकल जाना। इलॉन मस्क के बारे में मैंने ये बात सुनी है कि वो 365 डेज काम करते, एक दिन भी वेस्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दे हैव
actually achieved something in their life. So time is very important. That is the only reason. एक ही चीज मैंने आप लोगों को बोली है कि आप अपने time bank बना लो, एक गुल्लक बना लो. जैसे time दिखाई नहीं देता है, ऐसे आप भी उसको ना दिखने वाली गुल्लक बनाओ और अपने साथ में रखो हमेशा. आज से आराध्य ने एक काम शुरू किया है, सुबह 4 बजे उठने का. Can you all please give a big round of applause to आराध्य. उस बच्चे ने, very good. आराध्य ने क्या किया, सुबह उठ के 4 बजे ये शो कर दिया कि ही कैन डू समथिंग. एटलीस्ट एक टाइम बैंक बना लिया और सुबह उन्होंने 1 घंटे में जो भी उन्होंने किया, पढ़ाई करी. क्या किया बेटा आपने? क्या पढ़े थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर रिवीजन किया था. जो मैम से आपने पढ़ा था आज वो रिवीजन कर लिया. कुछ लगा आपको, कुछ नया हुआ है आपकी लाइफ में, राइट? नॉर्मली हम क्या करते हैं, 90% क्या करते हैं, जो हमने पढ़ाई करी उस दिन गया, उसके बाद रिवीजन कब है पता नहीं होता, साइड में रख देते हैं बैग. क्यों ऐसा होता है ना, स्पर्श, इट हैपेंस? नहीं होता, कभी कभी होता है. आपके साथ ऋतिक, आपके साथ होता है? कभी कभी होता है. ओके, वी विल चेक इट. सो नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम लोग अगर वर्चुअल टाइम बैंक बना लेते हैं और उसमें रोज का 1 घंटा तो डाल ही सकते हैं, हम लोग रोज का 1 घंटा डाल सकते हैं. डाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. वो सारे टाइम में से सेपरेट होना चाहिए, वो एडिशनल होना चाहिए, वो अलग से होना चाहिए. अगर आप लोग सुबह 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठो, 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो. वो एक्स्ट्रा 1 घंटा चाहिए. वो एडिशनल 1 घंटा कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ. दैट इज माई गारंटी टू यू. That is my guarantee to you. Can you please do it for another 1 month? एक बार initiate करें और check करें. Can you all filled up all the messages? I am also awake at 5, at 4, 4:30, 5:30, not beyond 6. उसके बाद वाला message बेकार है. Can you all do this? Yes, sir. Can you all do this? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. कैसा मजा ही नहीं आ रहा yes में? Yes, sir. Good. So from tomorrow onwards, Mahak ma'am will check your daily messages on the group and find out who is actually, you know, doing it regularly. Kaun isko follow kar raha hai? It is only to give you something new in your life.